हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर में। आज हम क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर चूज किए हैं, तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फार्मूला CO2। मींस क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हमें बनाना है जिसका फार्मूला होता है CO2। तो किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाना है। तो कार्बन है इसमें और क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने एटम है, 2। तो एक हमने इस साइड बना लिया और दूसरा इस साइड बना लिया। अब यहां पर कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें अंदर की कक्षाएं हैं ये कंप्लीट हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो बाहरी कक्षाएं बची, जिसमें कार्बन के बाहरी कक्षा में है 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन, इन्हें हमें बना लेना है। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने हैं, 4। तो 1, 2, 3 और 4। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गए। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे ग्रहण कर लेगा, मीन्स साझेदारी कर लेगा, और इस तरह से ये साझेदारी कर ली। और इधर भी ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर लेता है। कार्बन क्या करेगा, इन दोनों ही ऑक्सीजन परमाणुओं से साझेदारी करेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 ये और 4 ये, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 इसके अपने थे और 2 कार्बन से ले लिए। और इस वाले कार ऑक्सीजन को देखें तो 6 इसके खुद के हैं और 2 कार्बन के साथ इसने शेयरिंग कर ली। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, किसकी, सल्फर की, जिसमें जो सल्फर है उसके कितने परमाणु हैं, 8 परमाणु हैं। तो किस तरह से बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इधर। तो सल्फर के परमाणु हैं 8, तो 8 पहले सल्फर परमाणु बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस तरह से सल्फर कितने हो गए, 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल हो गए 8 सल्फर। अब सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 8 और सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन,
दो आठ दस छह सोलह, तो अंदर के जो कंप्लीट हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें बाहरी इलेक्ट्रॉनों से मतलब है। तो बाहरी कक्षा में कितने हैं? छह इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन हमें सभी में बनाने हैं। तो इधर एक दो तीन चार, इधर पांच छह, इसी तरह से इसमें भी एक दो तीन चार पांच छह, इस वाले कार्बन पर भी एक दो तीन चार पांच और छह, इस वाले कार्बन सॉरी सल्फर पर एक दो तीन चार पांच छह, इस वाले सल्फर पर भी एक दो तीन चार पांच और ये छह, इस वाले सल्फर पर एक दो तीन चार पांच छह, इस वाले सल्फर पर एक दो तीन चार पांच छह, इधर एक दो तीन चार पांच पांच और छह। तो हमने सल्फर को इस तरह से आठ बार लिख लिया है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और इनके ऊपर छह छह इलेक्ट्रॉन बना लिए हैं। तो छह बिंदु इधर इस वाले सल्फर के, इस वाले के भी छह, इसी तरह से हमने हर जगह छह छह इलेक्ट्रॉन बना लिए। तो क्या करेगा, ये वाला सल्फर इधर इस तरह से, ये इधर, ये वाला सल्फर इधर, ये वाला सल्फर इधर, और ये वाला सल्फर इधर, ये सल्फर इस तरह से, और ये वाला सल्फर इस तरह से, और ये वाला सल्फर इस तरह से, हर जगह ये सल्फर क्या करेगा, अपने से आगे वाले सल्फर के साथ दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, और पीछे वाले जो सल्फर है उसके दो इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करेगा। इस तरह से प्रत्येक सल्फर पर कितने हो जाएंगे, आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चार इसके खुद के और दो शेयरिंग वाले और दो इस वाले शेयरिंग के, तो ये चार और चार हो गए आठ। इसी तरह से इसमें भी आठ हो जाएंगे, इस वाले में भी, इस वाले में भी, सभी सल्फर परमाणुओं पर कैसे हो जाएंगे, आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो गया S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो इसका किस तरह से बनेगा, थर्ड का पूछा है हमसे कि साइक्लोपेंटेन है उसका फार्मूला क्या होगा और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो साइक्लोपेंटेन कैसा है, साइक्लो है पहले, तो पेंटेन, पेंटेन में पांच कार्बन होते हैं और ये कैसा है, साइक्लिक है। तो हमें क्या करना है, इसे पांच को किस तरह से लिखना है, इस तरह से साइकिल में बनाना है, मीन चक्र में बनाना है। तो एक कार्बन इधर, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, पांच कार्बन हमने लिख लिए हैं। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन। तो एक दो तीन चार, इधर एक दो तीन चार, इस वाले के भी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब सबसे पहले इसको रफली हम साइक्लोपेंटेन को बना लेते हैं। तो साइक्लोपेंटेन क्या होगा, इस तरह से पांच कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है जो कि बंद होती है, साइक्लिक होगा। तो यहां पर सब जगह CH2 इस तरह से रहते हैं। तो दो दो हाइड्रोजन हमें चाहिए, तो सब जगह हमें क्या करना है, हाइड्रोजन एटम लगाना है। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसी तरह से
एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस तरफ। इसी तरह से इसमें भी हमने यहां पर हर कार्बन के बाहर दो दो हाइड्रोजन लगा दिए हैं, तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब क्या करेगा ये इस हाइड्रोजन के साथ, ये सारे हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेंगे और अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेंगे। और कार्बन क्या करेगा, अब जिन्होंने हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर ली है वो रह जाएंगे, बाकी कार्बन क्या करेगा, अगले कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, मीन्स साझेदारी करेगा। और किस तरह से, दो इसके ये हैं, मीन्स ये चार और दो ये, दो ये और दो इसके और दो इसके, तो इसमें इस तरह से हमें कार्बन को अटैच करना है कि दो दो हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में साझेदारी करते रहे। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का लेना है, एक इस इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का लेना है और बाकी के दोनों हाइड्रोजन, तो इस तरह से हम जोड़ते हुए जाएंगे तो इस तरह का हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो कि हो जाएगा साइक्लोपेंटेन का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और कहा इसका फार्मूला भी बताना है, तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चरल, और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो C5H कितना हो जाएगा 10, इसका फार्मूला हो गया C5H10। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।